Hi guys, मैं हूँ दीपिका कक्कर इब्राहिम एंड वेलकम बैक टू दीपिका की दुनिया. Yes, I am sorry. आज मैं बहुत दिनों बाद ब्लॉग शूट कर रही हूँ. कोई रीज़न नहीं है, बस नहीं हो पाया. ऐसा नहीं कि कोशिश नहीं की, कोशिश की थी. बीच में काफ़ी बार मैंने शूट किया भी था लेकिन वो ब्लॉग कंप्लीट ही नहीं हो पाया, तो मैं डाल ही नहीं पाई. जैसे कल मैंने सोचा था कि मैं कल के दिन में एक ब्लॉग शूट करूँगी, बट इट जस्ट हैपेंड कि कल पता नहीं क्यों रूहान पूरा दिन बहुत क्रैंकी था, बहुत ज़्यादा क्रैंकी था. एंड कुछ भी नहीं, सब कुछ ठीक था, बट ही जस्ट वॉन्टेड टू क्लिंग टू मी एंड ही वॉज इन अ वेरी वियर्ड मूड. सो भी नहीं रहा था अच्छे से. फिर शाम को जाके वो सेटल हुआ है, तब तक पूरा दिन निकल चुका था, तब तक मैं भी एग्जॉस्ट हो चुकी थी. सो इसीलिए कल भी मेरा ब्लॉग नहीं बन पाया. सो ऐसे ही कुछ ना कुछ होता रहता है. बीच में उसका वैक्सीनेशन था, उसके बाद द नेक्स्ट डे ही नीड्स मी द होल डे क्लिंगिंग टू मी. सो ऐसे कुछ ना कुछ होता रहता है. लेकिन आज मैंने सोचा कि चलो आज मैं ब्लॉग बनाती हूँ, देखते हैं कंप्लीट होता है कि नहीं होता है. आज आने वाले हैं पापा रूहान से मिलने के लिए. सो यस, चलिए उनके लिए कुछ थोड़ी बहुत तैयारी करते हैं. मैंने धर्म दादा को बोला है, वो आलू की सब्ज़ी बना रहे हैं पापा के लिए और थोड़ी सी पूरियाँ बनाएंगे और हलवा बनाएंगे. हालाँकि पापा मुझे नहीं लगता यहाँ खाएंगे क्योंकि उनका शेड्यूल बहुत स्ट्रिक्ट चलता है, तो वो यहाँ पर आएंगे तो सिर्फ उनका चाय का टाइम ही होगा. तो वी हैव टी टुगेदर एंड फिर मैं पापा को पैक करके दे दूँगी, सो वो घर के जो है एंजॉय कर सकते हैं. तो ये दादा बना रहे हैं आलू की सब्जी, थोड़ी ग्रेवी वाली ना पिछली बार की तरह, एकदम थोड़ा मतलब सूखा रहेगा. हाँ, जैसे पिछली बार मेरे लिए बनाया था, बहुत ही बढ़िया बना था, चटपटा बनाएंगे. आ रहे हैं पापा. यस, तो ये और बनेगी पूरियां. उसका आटा हो गया है रेडी और मैंने निकाला है दूध. मैं बना रही हूँ हलवा. आ गए पापा रूहान से भी मिलने के लिए. मेरा सलाम, नमस्ते, गुड आफ्टरनून एंड सत श्री अकाल. बहुत खुशी होती है यहाँ के आप लोगों को मिलने की, देखने की. और ये मैं आता तो हूँ ये छोटे नवाब के लिए, ये मेरे छोटे नवाब अभी सोए हुए हैं, मैंने आज इसके साथ फोटो खिंचानी है. और आज आपके लिए हमने ऐसे कुछ स्पेशल तो नहीं, पर जो आपको पसंद है वो बनाया है. हलवा बनाया है, पूरी बनाई है और आलू की सब्जी बनाई है. ये आ गई है धर्म दादा स्पेशल चाय. थैंक यू दादा जी. ओए नानू के जाने से पहले उठ गए. मजा आ गया देख के. ओए आज सफलता मिल गई जिसका है ना. फिर हमने पापा के साथ कुछ क्यूट क्यूट पिक्चर्स क्लिक की रूहान की. फिर पापा का हो गया घर जाने का टाइम और ये देखिए हमारे रूहान इवनिंग वाला वॉश लेके चेंज करके फ्रेशन अप होके मस्त खेलने के मूड में. इसी तरह से दिन भर इसके साथ बातें और मस्ती चलती रहती है. अभी तो ये बहुत रिस्पॉन्ड करने लगा है, बहुत बात करने लगा है, इसलिए इस वक्त पे सबसे बेस्ट होता है कि इनको इमिटेट करना, मतलब उसकी आवाज़ में ही उसको जवाब देना, तो वो और इनकरेज होते हैं बात करने के लिए. सो इसीलिए हम लोग दिन भर इसके साथ लगे रहते हैं. जैसे ही एनर्जी में होता है और बात कर रहा होता है, खेल रहा होता है, तो हम इसके साथ रिस्पॉन्ड करने लगते हैं. ये देखो दादी भी आ गई, खेल रहा है थोड़ा सा मुझे. सो चलिए अभी रूहान के पास बहुत सारे लोग हैं, तब तक मैं अपनी फोटोग्राफ्स खिंचवा लेती हूँ. मैंने मेकअप भी कर लिया है, मैं रेडी भी हो गई हूँ. सो ये मुझे कुछ आउटफिट्स भेजे हैं तजमीन ने, उनका पेज है इंस्टा पे द लॉस्ट इन क्लॉजिट.
और मुझे बहुत 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 पसंद आए उनके सारे आउटफिट्स। सबसे अच्छी बात ये है कि फैब्रिक बहुत अच्छा है, उनके पास दोनों ऑप्शन हैं, आप स्टिच करवा के भी ले सकते हो, आप बिना स्टिच करवाए भी ले सकते हो। मैंने स्टिच करवा के मंगवाए थे और मेरी फीडिंग की रिक्वायरमेंट को दिमाग में रखते हुए उन्होंने मेरे लिए कस्टमाइज भी किया है। बहुत ही सॉफ्ट मटेरियल है एंड बहुत कंफर्ट वेयर है एंड बहुत प्रिटी भी है। सो मैंने एक सूट आज पहना हुआ है, इसमें अभी फोटोग्राफ्स खींचूंगी, आप बताइएगा कि कैसा लग रहा है। हाँ जी, हाँ जी, सो सब चले गए हैं और ये अपनी नींद लेके वापस उठ गए हैं और अब इनको मेरी पूरी अटेंशन चाहिए होगी। हाँ जी, हूँ। तो कल इसका आधार कार्ड बनाने के लिए घर पे जो है वो लोग आए थे और वो पूरा प्रोसीजर जो है मैंने शूट किया। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैंने हर चीज़ टुकड़े टुकड़े में शूट किए, तो आप वो देख के आइए। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए। तब तक मैं इसके साथ रहती हूँ। क्या वेट कर रहे हो? आपको पता है क्यों आए? आपको पता है? हाँ, इसलिए बैठे हो, वेट कर रहे हो, आपका आधार कार्ड बनने वाला है। ओले, सब पता है, सब पता है रोहन को, है ना? ऐसी स्माइल फोटो में भी दे देना, दे देना थोड़ी है? इस वाली फोटो में ऐसे देख रहा तू, इस वाली थोड़ी स्माइल कर देना प्लीज, ठीक है? देखेगी नहीं? कौन सा नंबर बताया मैम? 98। बस 2 मिनट्स, 2 मिनट्स। हाँ मुझे पता है आप रेडी बैठे, 2 मिनट्स, ठीक है? कैसी फोटो आई? देखेंगे देखेंगे। फाइनली रूहान का जो आधार कार्ड है वो बनने चला गया है। इस तरह वो घर पे पूरा सिस्टम जो है वो लेके आते हैं। सो ये एक ऑप्शन होता है आपके पास, अगर आप घर पे बुला रहे हैं तो उसके चार्जेस काफ़ी एक्स्ट्रा हैं ऑब्वियसली। एंड दूसरा ऑप्शन ये होता है कि आप बेबी को वहाँ भी लेके जा सकते हैं और वहाँ पे भी बना सकते हैं। तो अब जैसे मैं अवेलेबल थी, शोएब नहीं थे, तो मेरा ही आधार कार्ड का रेफरेंस लगा है एंड बायोमेट्रिक भी मेरा ही हुआ है, मतलब थंब इम्प्रेशन वगैरह मेरा ही गया है।
रूहान का नहीं गया है, रूहान की पिक्चर गई है जो आपने देखा हमने कितनी कैसे क्लिक की। सो यस, अभी वो कह रहे थे कि 1 हफ्ते 10 दिन में वेबसाइट पे अपलोड हो जाता है, उसके बाद हम उसका स्मार्ट कार्ड ले सकते हैं एंड जो हार्ड कॉपी है वो तो लगभग 1 महीने में घर पे बाय पोस्ट आ जाएगी। सो नाउ दिस इज़ डन, नाउ व्हाट इज़ लेफ्ट इज़ द पासपोर्ट। और वो अभी शोएब काफ़ी बिजी चल रहे हैं तो इसीलिए जब शोएब फ्री होंगे तब वो और मैं, हम दोनों को साथ में जाना होगा पासपोर्ट ऑफिस विथ रूहान, तो दैट वील फिगर आउट अ डेट एंड फिर वो पासपोर्ट का भी काम कर लेंगे। सो ये व्लॉग मैं आज यहीं ख़त्म कर रही हूँ, कोशिश की कि आज ये व्लॉग पूरा कर सकूँ एंड काफ़ी हद तक कुछ हो गया है। होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो, अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, दीपिका की दुनिया को सब्सक्राइब कीजिएगा। और एक बहुत स्पेशल मोमेंट था, एक स्पेशल इवनिंग थी मेरे लिए बिकॉज हमारे इस नए घर में पहली बार पूरी फैमिली यानी कि इंक्लूडिंग सबा एंड सनी हमने डिनर किया था जो मेरी बहुत ख्वाहिश थी। तो सबा जिस दिन आई थी उसके नेक्स्ट डे हमने ये डिनर सब ने साथ में बैठ के, कुछ खास नहीं, जस्ट मैं चाहती थी कि नया घर बनने के बाद जब सबा आए तो एटलीस्ट एक मील हम सब लोग साथ बैठ के ऊपर करें। और उस दिन मैंने सबा का सब कुछ फेवरेट बनाया था, मैंने खुद बहुत समय बाद बिरयानी बनाई, दही बड़े बनाए एंड वो मैंने शूट किया था लेकिन उसके आगे पीछे कुछ कंप्लीट हो नहीं पाया एंड आई एम श्योर आप वो देख चुके होंगे क्योंकि सबा वो व्लॉग काफ़ी दिनों पहले अपलोड कर चुकी है और ये क्लिप काफ़ी पुरानी है। लेकिन वो मेरे लिए जैसा कि मैंने कहा एक बहुत स्पेशल इवनिंग थी, बहुत स्पेशल मोमेंट्स थे, वो मैं आपके साथ शेयर नहीं करूँ तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा, मुझे कुछ अधूरा सा लगेगा। सो आप वो देखिए और फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में बहुत ही जल्द। लव यू ऑल। सो आ गई हूँ मैं किचन में और यहाँ मैंने पानी बॉईल होने रख दिया है, चावल भिगो दिए हैं, यहाँ चिकन धुल गया है, मैं वेट कर रही हूँ उसका पूरा पानी निकलने का, फिर मैं बिरयानी का जो मसाला है वो शुरू कर दूंगी। और फिलहाल मैं जो इमली मैंने भिगोई थी वो छान रही हूँ, उसका पूरा पल्प अच्छे से निकाल रही हूँ। ये ना मुझे इमली की चटनी बनाने में ये सबसे मुश्किल काम लगता है, इसका अगर कोई इजी वे आउट है तो आप लोग बताइए कि इसका पल्प कैसे निकाला जा सकता है। और दिक्कत ये भी है कि अगर इसका पल्प अच्छे से निकालेंगे नहीं तो इमली की चटनी में जो गाढ़ापन है वो नहीं आएगा। और मुझे हाथ से सिर्फ साफ करके निकालना नहीं पसंद क्योंकि फिर उसके रेशे रह ही जाते हैं, या तो रेशा रह जाता है या कभी कभी ये छिलका रह जाता है, इसलिए ये मेहनत तो करनी ही पड़ती है। पर तब भी मैंने सोचा पूछ लूं, अगर कोई शॉर्टकट होगा तो आप लोग बता दोगे। वैसे आज मैं सब कुछ सबा की पसंद का प्लान तो कर रही हूँ, रूहान काफी देर से सोया है, अभी वो उठने ही वाला है किसी भी वक्त, तो मैंने ये सोचा है कि अगर यू नो 8:30 तक मैं अचीव कर पाई तो ठीक है, कंसिडरिंग कि रूहान बीच में कितनी देर मुझे बुला लेगा यू नो, लेकिन अगर हुआ तो ठीक है, अगर नहीं हुआ सो प्लान बी, आज सब साथ में ऊपर बैठ के बाहर से खाना खा लेंगे और ये हम कल रेडी कर लेंगे, है ना। मतलब रात में जब वो दोबारा से फीड लेके सो जाएगा तब मैं कंप्लीट कर लूंगी, फ्रिज में डाल दूंगी, ये कल खा लेंगे। लेकिन बात ये है कि मुझे अपने हाथों से सबा की पसंद की चीजें बनानी थी जो कि है बिरयानी, उसे मेरे हाथ की बिरयानी बहुत पसंद है, और दही बड़े जो मैंने उसके लिए कई समय से नहीं बनाए हैं। ये रख दिए हैं चावल, चिकन ऑलमोस्ट रेडी हो गया है, गरम दादा दही बड़े का जो बैटर है वो पीस रहे हैं, चटनी भी ऑलमोस्ट रेडी हो गई है, तो जैसे ही चटनी का गैस खाली होगा या चिकन का गैस खाली होगा तब मैं दही बड़े ट्राई करने लग जाऊंगी। सो रूहान को देखिए, बाबू छुया है, अभी कभी भी उठ सकता है, कोई नहीं उठा उठा। आधा घंटा और बिट्टू, आधा घंटा और अम्मी की सारी कुकिंग हो जाएगी छोना। अभी नहीं रहा है, इसमें लगता है ज्यादा पानी पानी डालना पड़ेगा, पानी डालना पड़ेगा, पानी लाया हूँ, अगर सिर्फ भून जाए और देख, बस, देख। बस 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 खुशबू से आ रही।
किचन में नहीं दे दो सुबह से नहीं आई सबसे अच्छा पार्टी वाला लग रहा है ये भी फील अच्छा आ गया ना पूरे घर का ना फर्नीचर वाले देख कर फील अच्छा आ गया नहीं सब हो गया बिरयानी खुशबू तो बहुत अच्छी आज तेरी पसंद का सब कुछ बताने की कोशिश की एक तो बिरयानी और दही बड़े ओह दही बड़े बहुत समय से नहीं खिलाए तुझे मैंने बोला आज आ रही है तो पसंद का बना रही कैसी बनी है इतने दिनों बाद ही वाला टेस्ट बहुत अच्छी पक्का ना कुछ कम तो नहीं हुआ और अच्छी हो गई है बहुत अच्छी तुमको देख रहा हूँ मुझे देख रहे मुझे इधर इधर नीचे 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 लाइट देखता है अभी देखा